हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ थ्रेडिंग करने का जो परफेक्ट तरीका होता है, पेन क्यों होता है, कैसे क्या करोगे तो आपको पेन फील नहीं होगा, शेप कैसे देते हैं, धागा कैसे पकड़ते हैं, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इससे पहले वीडियो जो कल मैंने डाली थी उसमें बताया था मैंने स्क्रब करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी स्किन टाइप पे किस तरीके से स्क्रब करना चाहिए, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उससे पहले मैंने रेजर से आईब्रो को कैसे बनाते हैं, अगर आपके आईज में प्रॉब्लम है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, रेजर है तो आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो और किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे रेजर को पकड़ना चाहिए, कैसे घुमाना चाहिए, सब कुछ, तो वीडियो है आई बटन पे क्लिक करके आप दोनों वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और प्रीत तिवारी 2 मेरा सेकेंड चैनल है जिसमें मेरी ब्लॉग वीडियो और सिलाई से रिलेटेड वीडियो जाते रहती है, तो उस चैनल पर भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ये है धागा। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप पहले मैं बता देती हूँ दूसरों का बनाने के लिए आपको कैसे पकड़ना होता है। ये धागे को अपने मुंह में इस तरीके से पकड़ना होता है दांतों के बीच में, ओके। और उसके बाद से आपको इतना खोलना है धागे को, बहुत ज्यादा मुंह के पास नहीं रखना है, थोड़ा दूर रखना है। 5 बार आपको इस तरीके से घुमाना है हाथ को, ये 2 फिंगर पे आपको इस तरीके से धागे को लेना है और इस तरीके से धागे को चलाना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको सबसे पहले धागे को चलाना आना चाहिए, ओके। जब तक आपको धागा चलाना नहीं आएगा तब तक आप थ्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और धागा चलाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे ही आपको धागा चलाना आ जाए उसके बाद आपको स्किन पे जब आप ट्राई करते हो, जैसे आपने ये घुमा लिया और जब आप स्किन पे लगा रहे हो तो आपको स्किन पे इस तरीके से बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है। इससे क्या होगा, कस्टमर का स्किन एक तो कट सकता है, दूसरा कस्टमर को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। तो अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से रखना है, ओके, बिल्कुल हल्के हाथों से, और फिर आपको धागे को निकालना, बस बाल धागे के अंदर आते ही खींच देना। लेकिन ये है दूसरों का बनाने के लिए ट्रिक है, तो खुद बनाने हैं तो इस तरीके से आप धागा नहीं पकड़ सकते हो, खुद का बनाने के लिए अलग तरीके से पकड़ना होता है। और एक बात और, अगर आप जैसे धागे को बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल हल्का सा धागे के अंदर बाल आया और खींच दिया तो उसे कस्टमर को पेन भी कम होता है, कट भी नहीं लगता, और सेप भी जो होती है वो परफेक्ट आती है। और परफेक्ट बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आपको कुछ आइस क्यूब जेल वगैरह रखना चाहिए अपने पास, और या फिर अगर आप आइस क्यूब जेल नहीं है आपके पास तो मिंट वाला कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ठंडा ठंडा फील हो उस टाइप का, या फिर बर्फ लगा के या फिर गुलाब जल लगा के 5 मिनट छोड़ना है, उसके बाद थ्रेडिंग स्टार्ट करो तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, ओके। और सेकेंड चीज, फर्स्ट तो आपको पता चल गया पेन कैसे नहीं होगा, आइस क्यूब जेल लगाई या फिर बर्फ लगाई या फिर कोई भी ठंडा करने वाला चीज आप अपने आईब्रोज पे लगा के 5 मिनट छोड़ना, उसके बाद आप अपना थ्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो तो बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। यही चीज आप वैक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात होगी कि दर्द नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट शेप कैसे देते हैं हम लोग आईब्रो का वो चीज मैं बताने वाली हूँ। तो परफेक्ट शेप देने के लिए जैसे आप थ्रेडिंग कर रहे हो, पहले ये तो दूसरों का बनाने के लिए मैंने बताया, खुद का बनाने के लिए और दूसरों का बनाने के लिए शेप देने का तरीका एक ही है, लेकिन किस तरीके से देना है वो बता रही हूँ। अगर आप खुद का बना रहे हो अपने फोरहेड के हिसाब से इस तरीके से धागे को लेना है और यहाँ से आप धागे को तोड़ लोगे, इसमें आप इस तरीके से गांठ लगा लोगे और इसको भी 5 बार इस तरीके से घुमाओगे। दोनों हाथ नीचे की तरफ रहेंगे, एक का मुंह जब बड़ा होगा तो दूसरे का छोटा हो जाएगा, दूसरे का मुंह बड़ा होगा तो एक का छोटा हो जाएगा। जिस साइड आपका बड़ा है ये मुंह, उस तरफ आपको इस तरीके से रखना है धागे को। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से, ऐसे दबा के नहीं ले जाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे लेके जाइए, जैसा शेप देना है उस तरीके से धागे को पकड़िए और इस तरीके से निकाल देना है। अभी मैंने रेजर से किया था, बट रेजर से करने के बाद 2 से 3 दिन में आपकी ग्रोथ दोबारा से आने लग जाती है। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको धागे को खींचना है। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो हेयर है ये मैंने धागे के अंदर लिया इस तरीके से, उसको खींच दिया, देखा बिल्कुल इजीली निकल गया। इसी तरीके से आपको भी
खुद का थ्रेडिंग बनाना है तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, ऊपर का शेप देने के बाद से नीचे का शेप देंगे, साइड में इस तरीके से धागे को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे तो आपकी एक तो बाल नहीं निकलेगी और शेप नहीं आएगा, और ऐसे रखो ज्यादा ऐसे कर दोगे तो आपको यहाँ से निकल सकता है। तो हल्का सा इस तरीके से रखना है और हेयर को रिमूव करना है। अब बारी आती है नीचे का शेप देने की, तो नीचे का जब शेप दे रहे हो तो धागे को कुछ इस तरीके से रखना है, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे रखोगे तो यहाँ का निकल सकता है जो कि आपका बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा सा तिरछा में ले जाना है इस तरीके से। ये धागे के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपका शेप कैसा आ रहा है। देखिए अगर हम इस तरीके से ले जाते तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा जो कि आईब्रो का शेप बिगड़ जाएगा, तो आपको इस तरीके से लेके जाना है धागे के अंदर, हेयर को आते ही इस तरीके से खींच देना है, जैसी शेप चाहिए बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल आराम आराम से। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है गाइस, दिया जल रहा था इस वजह से मैंने पंखा नहीं ऑन किया था, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतनी गर्मी में क्यों कर रही है। इस तरीके से मुझे बिल्कुल परफेक्ट शेप आ रही है। यहाँ का बनाते टाइम आपको सेंटर में का बिल्कुल धागे को सीधा रखना है इस तरीके से, और यहाँ का बनाने के लिए इस तरीके से धागे को रखना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। इसी तरीके से आपको पूरी थ्रेडिंग को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप पूरा शेप दे सकते हो आईब्रो का। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है, लेकिन हमने इस साइड का बनाया तो हमारा ये वाले हाथ का धागा बड़ा था, लेकिन इस साइड बनाने के लिए आपको इस साइड के हाथ का धागा बड़ा करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बनाते जाना है। आजकल तो मार्केट में आईब्रो वैक्स भी अवेलेबल है, तो वो भी मैं ट्राई करके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। काफी जल्दी ग्रोथ हो जाती है वो रेजर वगैरह यूज करने से। लेकिन कोई अर्जेंट है तो आप फटाफट उसे ले जाते भी कर सकते हो।
तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल का जो वीडियो था उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हुई हैं, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आई बटन पर जाके आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और हेयर कलर की भी वीडियो जा चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।